हम मायावती नहीं हो, वो मालवती है। जहाँ से माल आएगा वही जो है मायावती का प्रत्याशी होगा। तो मालवती है, माल खोजती है, माल बांटती है, माल काटती है। नमस्कार, मैं हूँ वसीम अकरम। हाजिर हूँ मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। बलिया में क्षेत्रीय पंचायत सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में सपा बसपा गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि मायावती प्रधानमंत्री तो क्या, ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकती हैं। यही नहीं, विधायक ने बसपा के नेताओं को बिकाऊ तक कह डाला। उनका कहना था कि बसपा के लोग मायावती से टिकट खरीद कर दो चार भाई अगर चुनाव जीत भी गए तो जीतने के तुरंत बाद वो मोदी जी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो सब के सब बिकाऊ माल हैं। विधायक ने सपा मुखिया और अखिलेश यादव और बसपा मुखिया मायावती के गठबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जहां भावनाएं नहीं मिलती वह गठबंधन नहीं होता है, ये दोनों शुद्ध रूप से राजनीति का व्यापार करते हैं। उनका कहना था कि ये दो दल नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि एक ओर ऐसे नेता हैं जो परिवार को ही संसार मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार को ही संसार मानते हैं। का गठबंधन हुआ है तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गठबंधन जो है दो भावनाओं का और दो चिंतनों का मिलन होता है, और ये दो चिंतन विपरीत दिशा की हैं, विपरीत धाराएं हैं। गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता है। जहां भावना नहीं मिलती है वहां गठबंधन होता ही नहीं है। ये तो शुद्ध रूप से मान के चलिएगा कि राजनीति का व्यापार की है सब, और व्यापार का लेन देन हो रहा है। और मायावती जी का तो दुकान बंद हो गया था, तो उसने अपने दुकान का चाबी अखिलेश के माध्यम से खोल लिया। अब उसको टिकट पर जो है 10-20 लाख रुपया देने वाले लोग मिल जाएंगे, तो उसका दुकान चल गया। और अखिलेश का जो है, अखिलेश का एक तरह से देखिए तो एक माने फुआ मिल गई, तो फुआ से जो थोड़ा सा उसको ये हो गया कि भाई अब हम यहाँ जीरो थे, वहाँ थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कोई कोई पूछने वाला मिल जाएगा। नहीं तो केवल मान के चलिए कि दो, ये दो दल नहीं है, ये तो दो परिवार का मिलन है। पार्टी आप लोग कहते पार्टी है, ये दो परिवारों का मिलन है, एक मायावती परिवार और एक जो है मुलायम परिवार। तो मुलायम परिवार और मायावती परिवार की जो ताकत होगी वो मिलेगा। अब तो सारे मतदाता गरीब नाम पर, जातिवाद लगभग भारत की धरती पर समाप्त हो चुका है, और गरीब गरीब और गरीब टोटल जो है मोदी जी के सम्मान में अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो चुका है, और उसमें कोई लड़ाई नहीं रह गई है। अब गरीब बना, देखिए एक तरफ जो है बोटी और बोतल वाले हैं, अब बनाते हैं शुद्ध रूप से, एक तरफ बोटी और बोतल वाले हैं और दूसरे तरफ रोटी और लंगोटी वाले हैं। तो भारत की लड़ाई अब की पारी की, अब की बार की लड़ाई भारत में रोटी और लंगोटी बनाम बोटी और बोतल की होने वाली है, और रोटी और लंगोटी का नेता मोदी जी है, और बोटी और बोतल वालों का नेता सब विपक्षी पार्टियाँ हैं। एक एक नेहरू परिवार की पार्टी, एक मायावती परिवार की पार्टी, एक मुलायम परिवार की पार्टी, एक लालू परिवार की पार्टी। ये परिवार बनाम संसार की लड़ाई। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो परिवार को ही संसार मानते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो संसार को अपना परिवार मानते हैं। मायावती का कहना है कि बीजेपी बौखलाहट में है और एक भी सीट चुनाव नहीं निकाल पाएगी। मायावती का नाम तो पहले बदल करके आप लोग दूसरा लीजिए, मेरा नामकरण, मैंने उसका नामकरण कर दिया। मायावती नहीं हो, वो मालवती है। जहाँ से माल आएगा वही जो है मायावती का प्रत्याशी होगा। तो मालवती है, माल खोजती है, माल बांटती है, माल काटती है। तो क्या अखिलेश की पार्टी माल वाली है जिसको लेके मायावती ने कहा तो महाराज पैसे के लिए चाचा से रूठी लड़ाई हुई, केवल पार्टी के कोष के लिए चाचा को अलग कर दिया, लात मार करके अलग कर दिया, पिता को अलग कर दिया, अपने अध्यक्ष है और डिंपल जो उसकी पत्नी जो है कोषाध्यक्ष है, खाता का संचालन प्रेम से कर रहा है। केवल धन की लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई नहीं है। लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, और वो 38 सीट पर चुनाव लड़ रही है और प्रधानमंत्री की खाब देख रही है, तो कितना जायजा 38 सीट से? देखिए वो प्रधानमंत्री नहीं, अब प्रधान नहीं बन सकती है। पिछली बार जो है 00 पाई थी, अब की बार 0² पाएगी। आप चिंता मत करिए, मोदी जी के पीछे भारत की जनता दीवानी हो चुकी है, और मोदी के चरित्र के सामने ये चोर लोग टिकने वाले नहीं। तो सपा बसपा के कुछ विधायक आपके संपर्क में है क्या कि जो छोड़ के आप चुनाव में आएंगे? आप ये कहते हैं, संयोग से देख लीजिएगा, कहीं मायावती के टिकट पर टिकट खरीद के दो चार भाई कहीं जीतियो गए
तो सब जो है जीतने के दिन ही मोदी जी के साथ आ जाएंगे। सरकार हम लोग की बननी है, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।